राम राम दोस्तों। जैसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं अपने पापा के साथ में थोड़ा बहुत लैंडस्केप का भी काम करता हूँ, मतलब लैंडस्केप बोले तो गार्डनिंग का, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, तो मतलब मेरे पापा का इसी में ही काम है, बिजनेस है दिल्ली में अपना। तो मैं भी पापा के साथ लगा रहता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज है, थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूँ इधर उधर से आना जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे मैं यार नए नए जगह पे जाता हूँ ना, तो मेरे को बहुत सारे नए नए प्लांट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे, और कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जो मैं खुद पहली बार देखता हूँ, देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूँ, वाओ मैंने खुद कुछ नया देखा है। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि क्यों ना एक इन्हीं के ऊपर में ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी गार्डनिंग के नए नए फ्लावर और नए नए आइडियाज़ के बारे में पता लगता रहे कि मार्केट में कौन सा नया फूल आ रहा है, क्या उसका सीजन चल रहा है, क्या टेम्परेचर चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग घर में अपने गार्डनिंग तो करते हैं, बट उन लोगों को नॉलेज नहीं होती है या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उनके फ्लावर्स वगैरह जल्दी मर जाते हैं या फिर नहीं चल पाते हैं। तो उसी के चलते मैंने एक ब्लॉग बनाने की सोची है कि प्लांट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। मेरा भी यही काम है यार, तो मेरा भी थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा उसमें। तो चलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई सीरीज है पूरी की पूरी फ्लावर्स के बारे में। देखते नया क्या है। तो यार देखो मेरे पीछे ना आपको एक छोटा सा ये दिख रहा है फूल, देखो देखो ध्यान से, इसके ऊपर में ना कुछ गांठ गांठ सी भी बनी हुई है, देखो ध्यान से। तो दोस्तों जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फूल है पपी का। इंग्लिश में हम इसे पॉपी बोलते हैं, पपी फ्लावर, और हिंदी में अगर इसका नाम मैं आपको बताऊँ, अफीम का फूल। हिंदी में मतलब लोकल लैंग्वेज में पंजाब उत्तराखंड वगैरह में हम लोग इसको लोकली जानते हैं, अफीम का फूल। तो आओ मैं आपको इसकी पूरी डिटेल आज देता हूँ कि अफीम का फूल क्या है, कैसे है, कब लगाया जाता है। आप यहाँ पे इस पौधे को देख सकते हो, यही वो पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं अफीम का। जी हाँ दोस्तों, यही वो पौधा है जिससे अफीम निकाला जाता है, और यही वो फूल है पपी का जिसके लोग यूज़ करके अफीम बनाते हैं, खाते हैं, यही है वो पौधा। तो आप देख सकते हो ये आपको नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ, इसके सीड्स अगर आप चाहोगे तो मैं शायद अवेलेबल करवा सकूं, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं, 10-5 सीड, 2-4 फ्लावर, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये अफीम का पौधा है तो इसको हम लोग ना गार्डनिंग कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, लीगली ये बैन है इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट इसको लगाने की परमिशन नहीं देगी आपको। और अगर आपके पास में ये लगा हुआ मिल जाता है तो आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी कर दिया जाएगा। किस क्वांटिटी में लगाना है, कैसे लगाना है, वो तो मुझे नहीं पता, बस हाँ ये फूल है जिसको देख के काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत है। और अगर आप देखोगे तो ये इसके बर्ड्स हैं, ये कुछ दिन बाद ऐसा खिल जाएगा। फूल एकदम ग्राउंड पे गिर चुका है, इस वजह से इसमें हवा नहीं लगी, तो इसकी वजह से इसके पेटल बहुत जल्दी नहीं झड़े। तो आप देख सकते हो कि जब इसके पेटल झड़ते हैं तो ये कैसा दिखता है। वैसे ये फूल बहुत दिखने में औसम है, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता इसकी खूबसूरती के बारे में, आप खुद देखिए की कगार पे है ये, आप देख सकते हो इसको। बेहद खूबसूरत फूल, इसका सुगंध उत्तम, जिसको सूंघने के बाद आपके दिल खुश हो जाएगा। पर हाँ खतरा तो है इस फूल से, आप देखिए यही इसका है फूल का, डार्क डार्क सा दिखेगा आपको स्टार्टिंग में, फिर ये जब खिल जाता है तो पूरा ऐसे रहेगा। और ये जो आपको ये डार्क वाला इसमें ये पार्ट दिख रहा है ना, ये डार्क वाला पार्ट जाता नहीं है, वो फिर बाद में ऐसे बना रहता है फ्लावर के एंड तक। ये देखिए हर फ्लावर के में आपको
चार से पांच पेटल इस तरह के डार्क डार्क से दिखेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऐसा रहता है तो वो उस वजह से डार्क डार्क दिखता है। ये देखिए एक और यहाँ पे ये खिलने वाला है, खिला नहीं अभी तक। मैं थोड़ा सा स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये डार्कनेस इस पर बना रहता है, ये डार्कनेस जाता नहीं है इस पर से, और ये बाद में फ्लावर में भी रहता ही है। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारा लगा रखा है, आप देख सकते हो। लोकेशन नहीं बताऊँगा मैं आपको, ये लोकेशन कहाँ पे है, कैसे लगा रखा है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, क्या है कैसे है, नेट पे अवेलेबल है, आप नेट से भी इसकी डिटेल कलेक्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो देखने में कैसा ये पौधा दिखता है, इसकी ओवरऑल हाइट इतनी है, अराउंड 3 to 4 feet, 3 से 4 feet का इसका पौधा आता है ज़मीन से। और इसके पत्ते थोड़े से ना कांटेदार देखने में लगते हैं, पर ये उतने कांटेदार हैं नहीं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, बस ये दिखने में कांटेदार हैं। तो दोस्तों ये है आप लोगों के सामने पपी का फ्लावर, पपी फ्लावर बोलते हैं इसे, अफीम का फूल बोल दो, एंड बोटेनिकल नेम मेरे को भी इसका याद नहीं है। मैं इसका बोटेनिकल नेम भी नीचे जब वीडियो प्रोसेस करूँगा तो इसका निकाल के सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इसको हम कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाया जा सकता है, तो इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी को ये फूल चाहिए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट विंटर में अपने पास में इसकी अच्छी सी कलेक्शन रखें, जिससे कि आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई सीड देखता हूँ जो इसका सीड तैयार हो गया हो। ये दोस्तों जो आपको ये गांठ गांठ सी इसमें दिख रही हैं मोटी मोटी सी, ये सारी की सारी एक्चुअली फ्लावर इसमें से झड़ चुका है, अब ये सीड के लिए पूरी पूरी अच्छे तरीके से तैयार है। अब हम लोग इसमें से सीड्स निकाल लेंगे अगले साल के लिए, जिससे कि हम लोग इसको अगले साल फिर विंटर में लगाएं और ये काफ़ी अच्छा फूल हमको दे। वैसे इसका सीज़न ओवर हो चुका है। यही है दोस्तों अफीम का फूल, और ये वही सीड है जिससे अफीम निकाला जाता है या बनाया जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी देखने में अच्छा है ये भी, बट ये फूल नहीं है भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये फूल नहीं है, ये उसका सीड है। कितनी खूबसूरत लगता है देखने में, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ यही प्लांट के बारे में मैंने ब्रीफ किया है। अगर आप लोगों के लाइक और कमेंट मेरे को सही आते रहे तो मैं इस ब्लॉगिंग को और भी आगे लेके जाऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी कुछ और देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। यहाँ मेरे आपको लेफ्ट दिख रहे होंगे काफ़ी सारे फ्लावर हैं, उसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया आपको, आप इधर देखिए। तो ऐसे भी हमारे नर्सरी में हमारे पास में ऐसे बहुत से कलेक्शन हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी ब्रीफ नहीं किया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए फ्लावर्स के बारे में बताऊँगा, उनकी केयर टेकिंग, उनका रख रखाव हमारे माली भैया हैं। और ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट गार्डनिंग की वीडियो देखने में आसानी हो। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और उसमें डालने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भाई मुझे मतलब नहीं है, वो जो नीचे लाल कलर की बटन दिख रही है ना, वो बस क्लिक हो जानी चाहिए, बस हो जानी चाहिए अब। करना ना भूले। और भाई चाहे कमल का खा के थूक, चाहे पान बिलास फेंक के मार, मुझे मतलब नहीं है, वो जो नीचे लाल कलर की बटन दिख रही है ना, वो बस क्लिक हो जानी चाहिए, बस हो जानी चाहिए अब।